सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो में। 7 सितंबर यानी कल भिवानी से एक नई रेल सेवा की शुरुआत की जा रही है। कल इस ट्रेन का इनॉग्रेशन किया जाएगा। क्या टाइमिंग रहने वाली है इनॉग्रेशन स्पेशल एक्सप्रेस की, कब से ये अपनी नियमित टाइमिंग से चलेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए। अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, 7 सितंबर को भिवानी कालका भिवानी एक नई रेल सेवा की शुरुआत की जा रही है और कल इस ट्रेन का भिवानी जंक्शन पर इनॉग्रेशन किया जाएगा। 7 सितंबर को भिवानी से स्पेशल एक्सप्रेस रवाना होगी कालका के लिए और 7 सितंबर से ही कालका से ये अपनी नियमित टाइमिंग से चलेगी और 8 सितंबर से ये भिवानी से चलेगी। अब बात कर लेते हैं भिवानी कालका इनॉग्रेशन स्पेशल एक्सप्रेस की टाइमिंग की। तो आपको डिस्प्ले पर इस ट्रेन की टाइमिंग नियमित टाइमिंग दिखने वाली है और जो मैं आपको बताऊंगा वो इनॉग्रेशन स्पेशल एक्सप्रेस की टाइमिंग होने वाली है। अब बात कर लेते हैं ये भिवानी से कितने बजे रवाना होगी। ये भिवानी से रवाना होगी सुबह के 9 बजे और अगला स्टॉपेज इसका फर्स्ट स्टॉपेज होने वाला है कलानौर, जो की 9:27 पर ये पहुंचने की इसकी टाइमिंग है। 2 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज होने वाला है और ये रवाना होगी 9:29 पर रोहतक के लिए। रोहतक इसकी टाइमिंग है पहुंचने की सुबह के 10 बजे। रोहतक रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का 22 मिनट का स्टॉपेज होने वाला है। 10:22 पर यह रोहतक से रवाना होगी गोहाना रेलवे स्टेशन की ओर और गोहाना रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का पहुंचने की टाइमिंग है 11:05 पर। 2 मिनट का यहां पर भी स्टॉपेज होने वाला है। अगला स्टॉपेज होगा इसका इसराना, जहां पर इस ट्रेन के पहुंचने की टाइमिंग है सुबह 11:30 पर। 2 मिनट का यहां पर भी स्टॉपेज होने वाला है। अगला स्टॉपेज होने वाला है पानीपत रेलवे स्टेशन, जहां पर इसकी टाइमिंग है 12:12। 3 मिनट का पानीपत रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज होने वाला है। इसका अगला स्टॉपेज होगा गरोड़ा, जहां पर इस ट्रेन के पहुंचने की टाइमिंग है 12:16 पर। 2 मिनट का यहां पर भी स्टॉपेज होने वाला है। अगला स्टॉपेज होगा इसका करनाल, जहां पर इसकी पहुंचने की टाइमिंग है 12:34 पर। 2 मिनट का यहां पर भी स्टॉपेज होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा नीलोखेड़ी, जहां पर इसकी टाइमिंग है पहुंचने की 12:50 पर। 2 मिनट का यहां पर भी स्टॉपेज होने वाला है। ये रवाना होगी अपने नेक्स्ट स्टॉपेज की ओर और नेक्स्ट स्टॉपेज होने वाला है इसका कुरुक्षेत्र, जहां पर इस ट्रेन के पहुंचने की टाइमिंग है दोपहर 1:06 पर। 2 मिनट का कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर इसका स्टॉपेज है। इसके बाद ये शाहबाद मरकंडा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी 1:25 पर और 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद ये रवाना होगी अम्बाला कैंट के लिए। अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन इसका पहुंचने की टाइमिंग दे रखी है दोपहर 2:15 पर और 10 मिनट का अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज होने वाला है। 2:25 पर ये रवाना होगी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की ओर। चंडीगढ़ पहुंचने की इसकी टाइमिंग दे रखी है 3:12 पर। 5 मिनट का स्टॉपेज होने वाला है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। इसके बाद ये रवाना होगी चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन की ओर, जहां पर इसका टाइमिंग है 3:28 पर। 2 मिनट का यहां पर भी स्टॉपेज होने वाला है। इसके बाद ये इसकी मेन डेस्टिनेशन पहुंचेगी कालका की ओर, जो कि इस ट्रेन की डेस्टिनेशन होने वाली है। यहां पर ये पहुंचेगी शाम के 3:55 पर। अब ये रवाना होगी कालका से भिवानी के लिए 1 घंटे के स्टॉपेज के बाद, जो कि ये अपनी नियमित टाइमिंग से रवाना होगी कालका से शाम के 4:55 पर और भिवानी रेलवे स्टेशन पहुंचने की इसकी टाइमिंग है रात के 11:30 पर। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन के कोच पोजीशन के। तो ये ट्रेन 7 सेकंड सीटिंग कोच के साथ, 2 स्लीपर कोच के साथ और 2 गार्ड कोच के साथ, ये टोटल 11 कोचों के साथ भिवानी जंक्शन से रवाना होगी कालका के लिए और आपको कंप्लीट टाइमिंग डिस्प्ले पे दिख जाएगी। कालका से और भिवानी की कंप्लीट टाइमिंग आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। अब मिलेंगे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।